अमिताभ बच्चन जो हैं अपनी प्यारी सी पोती आराध्या के बारे में एक बात तो कह चुके हैं कि आराध्या अपनी दादी पर गई है, शार्प माइंड है उनका। अमिताभ जब बीमार थे, नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट थे लास्ट ईयर कोरोना काल में, कोरोना की चपेट में आने पर, तो आराध्या भी तब बीमार थी, ऐश्वर्या भी, अभिषेक भी थे कोरोना से पीड़ित। लेकिन जब आराध्या रिकवर होकर हॉस्पिटल से जा रही थी तो अमिताभ रोने लग गए थे। रोते हुए दादू को देख आराध्या ने उनकी आंसू पोंछे और कहा कि आप रोइए मत, जल्द आप घर आ जाएंगे। ऐसे शाबाश आराध्या बच्चन जो है अपने दादू को हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बनाती है और अपने दादू को संभालती है। वही आराध्या रिसेंटली क्रिसमस पर सीक्रेट सांता को लेकर, पूरे साल आप सीक्रेट सांता बन सकते हैं किसी के, ये बताते नजर आए। उस आराध्या के बारे में जब जिक्र हुआ अमिताभ के सामने शो केबीसी के सेट पर, तो कैसे अमिताभ इमोशनल हो गए थे, क्यों हो गए थे, आप जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। पलसप की नन्ही परी आराध्या बच्चन काफी बड़ी हो गई हैं। वाकई में आराध्या बच्चन जितनी बड़ी हो गई हैं, जिस तरह से वो लोगों का दिल जीत रही हैं अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, ये कहना गलत नहीं होगा कि आराध्या सबकी जो लाडली है, जो ऐश्वर्या अभिषेक की लाडली है, जो कि अभिषेक बच्चन की प्यारी बेटी है, बहुत जल्द बॉलीवुड में भी कमाल करेंगी। जिस तरह से आराध्या बच्चन देखते ही देखते बड़ी होती जा रही है और जिस तरह से आराध्या बच्चन देखते ही देखते लोगों के बीच काफी ज्यादा अलग हटकर टॉल गर्ल बनकर फुल कॉन्फिडेंट के साथ नजर आ रही है। क्रिसमस पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक पोयम रिसाइट किया और इसके बाद जो है आराध्या बच्चन के पोयम की तो बात हुई, साथ ही साथ आराध्या बच्चन के बहुत ही खूबसूरत स्पेशल मोमेंट की बात होने लगी। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे आराध्या बच्चन वाकई में बहुत टैलेंटेड है। आराध्या के टैलेंट की बात जब की जाए तो हमेशा बच्चन परिवार इस बारे में जिक्र भी करता है कि आराध्या को काफ़ी ज़्यादा पसंद है लोगों के बीच पोयम बोलना, अपनी बात रखना और लोगों को संदेश भेजना। क्या आपको मालूम है कि आराध्या बच्चन ने इससे पहले एक बार एक पोयम कहा था कन्या पर, तो अमिताभ बहुत इमोशनल हो गए थे। अमिताभ ने ब्लॉग पर अपनी प्यारी सी पोती के लिए कहा कि मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। अमिताभ ने केबीसी के सेट पर भी इस बारे में कहा है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने इस बारे में काफ़ी कुछ कहा था इमोशनल होकर। जी हाँ, अपनी प्यारी सी पोती के बारे में अमिताभ बच्चन बोलते ही रह गए थे। जी हाँ, अपने इमोशंस जाहिर करते हुए नजर आए थे। हरिवंश राय बच्चन तेजी बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ अपने छोटे भाई अजिताभ से अलग रहते हैं। बेटी श्वेता और नातिन के बारे में बात करते हैं वो, लेकिन बेटी श्वेता और पोती आराध्या के बारे में जब वो नजर आए बात करते हुए, लोग काफ़ी इमोशनल हो गए। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने हमेशा इस ऑड्स के अगेंस्ट खड़े होने का फैसला लिया है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और उसमें काफ़ी कुछ कहा था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने काफ़ी चीज़ें कही थी और उन्होंने ये भी कहा था ज़िंदगी बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ज़रा जानिए अमिताभ कैसे इमोशनल हो गए थे। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी, अमिताभ के जन्मदिन पर एक पोयम उनके फैन ने पढ़ा था जिसमें उनकी पोती आराध्या का जिक्र किया गया था। ये बताया गया था कि कैसे आज बच्चन परिवार की तीसरे जनरेशन में आराध्या भी 10 साल की उम्र में कन्या को लेकर बात करती है, उन्होंने क्रिसमस पर संदेश भेजा है। तो अमिताभ ये सुनकर, आराध्या का नाम सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गए थे। लास्ट ईयर कोविड की वजह से उनकी पोती जब बीमारी से लड़ रही थी, अमिताभ बहुत इमोशनल होकर कह बैठे थे कि बहुत दर्द हुआ जब पोती को बीमारी में देखा गया। ऐसे में अमिताभ बच्चन का दर्द तो अपनी पोती के लिए अच्छा लगता है जब लोग ट्रोल उन्हें करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। दोस्तों, आज मैंने आप सभी को, आपकी होस्ट तृप्ति ने बताया ही है कि अमिताभ अपनी पोती को लेकर क्यों प्राउड मोमेंट में अपने आंखों में आने वाले खुशी के आंसू को नहीं रोक पाते। अभी के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे लेकर ऐसे ही बच्चन परिवार के दिलचस्प किस्से आपके बीच साझा करने के लिए। अगली रिपोर्ट के साथ देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।